यह है मेरी माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज का वर्ल्ड एंड टुडे मैं इसमें बनाने वाला हूँ कुछ एसेंशियल फार्म्स जो आगे जाके हमारे फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ फार्म तो बहुत ज्यादा छोटे होंगे और कुछ फार्म कुछ ज्यादा ही मैसिव। सबसे पहले फार्म बनाने के लिए हमको जाना होगा जंगल बायोम में। यहाँ से मुझे सिर्फ यही चाहिए एंड बाकी का मटेरियल गैदर करते हैं। ऑलराइट, वी हैव इनफ मटेरियल। मैं सोच रहा हूँ फार्म को ना यहीं पे बना लेता हूँ। चलो फार्म बनाते हैं। सो ऑलराइट, अब जस्ट लाइटिंग करनी है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला फार्म कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट फार्म बनाने से पहले सोते हैं एंड क्रीपर तेरी माँ। आई लिटरली हेट दिस। सालो तुम लोगों को अभी भी चैन नहीं आ रहा। एनीवेज सोते हैं। नाउ नेक्स्ट फार्म की बारी है जो कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा वापिस से, बिकॉज यहाँ पर विलेजर्स हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड इसमें अभी हमें विलेजर्स डालने हैं जिसके लिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ऑलराइट, एक विलेजर यहाँ पर आ चुका है, अभी दूसरे विलेजर की बारी। और ये डाली मैंने एक माइनकार्ट और एक और विलेजर अब जाएगा। ऑलराइट, अभी मुझे ये तोड़ना है एंड अब आराम से इसकी माइनकार्ट तोड़नी है और इसे मैं कवर कर देता हूँ ताकि ये भागे ना। वेट, आई एम लिटरली स्टूपिड। चलिए इसे वापस से ट्रैप करते हैं अभी। होपफुली अब ये भागे ना। अब तो मुझे नहीं लगता भाग पाएगा, बस इसकी माइनकार्ट तोड़नी है। वद्दा भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसे ललचाना पड़ेगा। आजा बेटे, ये ले ब्रेड उठा, नहीं दूंगा। अबे यार, कैसे विलेजर्स हैं ये? उठा ले भाई, जा 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 अंदर जा। वो देख ब्रेड पड़ा, ब्रेड, जा जा जा। अरे जा ना भाई, कैसा विलेजर है? अरे चला जा भाई, जा 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 जा, इसमें जा इसमें जा। हाँ हाँ, इधर इधर जा जा जा। इसे फटाफट से कवर कर देता हूँ, ये भाग ना पाए। अब कहाँ जाएगा? आया मजा, बहुत अनॉय किया तुम लोगों ने मुझे। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला फार्म भी कंप्लीट होता है। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट फार्म है शुगर केन फार्म, जिसको मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। एंड उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले इस ग्रास को हटाना पड़ेगा। आई थिंक इतनी जगह मोर देन इनफ है अभी के लिए। ऑलराइट, अब अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ आज के हमारे स्पॉन्सर रैमशार्ड के बारे में। इस वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि तुम लोगों को एक ही जगह पर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड वेब होस्टिंग प्लान्स दोनों एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। वेब होस्टिंग में तुम किसी भी प्रकार की वेब होस्टिंग ले सकते हो, प्लस तुम्हें यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड तुम लोगों को इसमें डीडोस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, विच मीन ये वेबसाइट तुम्हारे लिए तुम्हारा सर्वर बहुत ज्यादा सिक्योर रखती है। इस होस्टिंग की सबसे खास बात, तुम लोगों को इसमें अनलिमिटेड प्लेयर स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस देखने को मिल जाता है एंड अनलिमिटेड CPU भी देखने को मिल जाता है एंड वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। एंड उसके अलावा तुम लोगों को मल्टीक्राफ्ट 2.0, डीडोस प्रोटेक्शन, 1GBPS, अपलिंक, एंटरप्राइज ग्रेड हार्डवेयर, NVMe SSD, अनलिमिटेड बैंडविथ, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्लॉट, फुल FTP एक्सेस, इवन तुमको इसमें डेटाबेस भी देखने को मिल जाता है। और इस वेबसाइट का मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर, सब डोमेन क्रिएटर। अगर तुम लोगों के पास ऑलरेडी एक माइनक्राफ्ट का सर्वर है एंड तुम चाहते हो कि उसका IP है वो तुम्हारी मर्जी का हो, तो तुम लोगों को बस यहाँ पर आना है एंड इसी के साथ तुम्हारे पास होगा तुम्हारा खुद का कस्टम IP। मेक श्योर कि तुम लोग इस वेबसाइट को जरूर चेक करना। अगर ये होस्टिंग तुम लोगों को अच्छी लगे तो पक्का कोई प्लान बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। इसे बनाना कितना ही हार्ड होगा। 1, 2, 3, देयर वी गो। वैसे देखने में ये फार्म भी इजी लग रहा था लेकिन था नहीं। एंड इसी के साथ ये वाला फार्म भी हमारा होता है कंप्लीट। ऑलराइट, अब बनाते हैं एक नया फार्म जो कि है मॉब फार्म, जिसके लिए ये सब मटेरियल लगने वाला है एंड ये मटेरियल गैदर करते करते हमें लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो उस चीज़ को करने के लिए फटाफट से मटेरियल गैदर करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मुझे चाहिए स्टोन। अच्छा, वो मेरे पास काफ़ी सारी सैंड पड़ी हुई है लास्ट वीडियो से एंड जिसने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद वो देख लेना। एंड अब ये मत कहना कि ये वाली जितनी सैंड है इनफ नहीं है, एंड जिसका डर था वही हुआ, ये सैंड इनफ नहीं है। वापिस से सैंड माइन करने जाना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स डू दैट। एंड इतनी सैंड इनफ है एंड नाउ फार्म बनाना शुरू करते हैं।
ऑलराइट फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका है एंड शेडर्स के अंदर भाई कितना मस्त लग रहा, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, वाओ। एनीवेज ये फार्म अच्छे से काम कर रहा है नहीं ये तो नीचे जाके पता चलेगा। जिस हिसाब से मॉब्स यहाँ पर स्पॉन हो रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है फार्म अच्छा है। बट फर्स्ट AFK टेस्ट करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। चलो चेक करते हैं कितनी लूट मुझे मिली इतनी देर के AFK के लिए। What the heck? इसी हिसाब से मैं जल्दी मर जाऊंगा। एनीवेज लूट चेक करते हैं। ऑल राइट, नॉट बैड एंड नॉट गुड ईदर, बट या मॉब्स फास्टली नीचे आ रहे हैं। मे बी थोड़ा टाइम के बाद ये ज्यादा रेट देने लगे। एनीवेज इन गन पाउडर्स को उठाते हैं, अभी जाके रॉकेट क्राफ्ट करते हैं। जितने में मैं रॉकेट्स क्राफ्ट कर रहा हूँ उतने में आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट फार्म को बनाने के लिए हमें जाना होगा स्वाम्प में एंड उस फार्म के लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारा मटेरियल। तो मैं पहले मटेरियल गैदर कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने मटेरियल गैदर कर लिया सब कुछ, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी फार्म बनाने के लिए वो सब मैंने गैदर कर लिया है। एंड नाउ चलते हैं। एंड मुझे कितनी दूर जाना पता नहीं, लेकिन यहीं आसपास में स्वाम्प होना चाहिए। और जाने से पहले मैं यहाँ से बेड भी उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं बेड उठाना भूल गया। ऑलराइट, ये मैंने उठाया बेड एंड चलते हैं स्वाम्प की ओर। एंड ये पहुँच चुके हैं हम स्वाम्प के पास में। इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग मैं कौन सा फार्म यहाँ पर बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ स्लाइम फार्म। वैसे मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर मुझे विच हट देखने को मिलेगी, कि बच्ची मेरे पे पोषण मरा रुक तेरी ऐसी की तो मरेगी। इसके कोल्ड्रॉन में कभी कुछ नहीं होता, वैसे भी इसके कोल्ड्रॉन में मुझे रखे करना भी क्या है। एनीवेज काम स्टार्ट करते हैं बेबी फार्म बनाने का। सो सबसे पहले मुझे इस जगह को करना है फ्लैट। ऑलराइट, मैंने फ्लैट कर दिया इस जगह को, अब बनाना है हमें फार्म। सो फटाफट से फार्म बनाते हैं अब एंड तुम लोग एंजॉय करो ये टाइम लैप्स को। ऑलराइट, हमने फार्म को कंप्लीट कर लिया है, अब इसकी बारी टेस्ट करने की। तो सबसे पहले चलते हैं AFK पॉइंट पे, होपफुली मैं सही से लैंड कर जाऊं। एंड ये लैंड कर गया सही से, नाइस। एंड अभी मैं यहां पर 10 मिनट के लिए AFK करने वाला हूं एंड उसके बाद देखेंगे मुझे कितनी लूट मिली। एंड तुम लोगों को मैं फ्री कैम में भी दिखा देता हूं कि यहां पर मॉब स्पॉन हो रहे हैं या नहीं। एंड यू कैन सी यहां पर बहुत सारे स्लाइम स्पॉन हो रहे हैं और गोलम उनको मार के नीचे कर रहा है। सो थोड़ी देर अब AFK करते हैं। 10 मिनट एंड तकरीबन 10 मिनट मुझे हो चुका है AFK करते को, अभी नीचे जाके देखते हैं कि मुझे कितनी लूट मिली। ऑलराइट, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर नीचे एंड देखते हैं हमारी चेस्ट में कितनी लूट आई। ओह नाइस, काफ़ी ज़्यादा लूट आ रही है, 10 मिनट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लूट है ये। और साथ में ये स्लाइम चंक नहीं है, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सा क्लियर कर लिया है ताकि मैं स्लाइम को लेके जा सकूं। एंड इनको निकाल लेते हैं और इस शल्कर में डाल देते हैं और इन शल्कर उसको उठाते हैं। भाई साहब, मुझे सच्ची बता रहा हूँ, क्रीपर से इतनी नफरत है ना, एक क्रीपर फार्म बनाऊंगा उसके अंदर इनको इतना टॉर्चर करूंगा ना, इतना टॉर्चर करूंगा इनका पूरा खानदान याद आ जाए इनको। बट फर्स्ट पहले मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने फिक्स कर दिया है एंड मैंने अपना सारा सामान भी उठा लिया जो मुझे चाहिए था। एंड नाउ चलते हैं अपने बेस की तरफ वापस। ये रुइंड वाला पोर्टल भी मुझे दिखा था, तो मैं यहाँ से इस गोल्ड ब्लॉक को भी ले ही चलता हूँ। ऑलराइट, इसमें कोई खास लूट तो नहीं है, लेकिन गोल्ड मिल गया और थोड़ी सी गोल्डन कैरेट मिल गई। एंड चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। वैसे शेडर में बारिश भी अच्छी लग रही है। एंड फाइनली हम अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं। एंड अभी नेक्स्ट फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए बी नेस्ट, होपफुली यहाँ पर मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आया था तो मैंने देखी थी यहाँ पर बीज घूम रही थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो। होपफुली मुझे जल्दी से मिल जाए तो मैं जल्दी से फार्म बना पाऊँ। वेट, मैंने यहाँ पर कुछ देखा, यहीं पर मुझे लग रहा है मैंने बीज देखी। ओ नाइस, मुझे मिल गया।
ऑलराइट, बस मुझे इन बीस को इनके घर में ट्रैप करना है ताकि मैं इन्हें ले जा सकूं। बेटा इधर आ जा, हियर इज योर डैडी। अच्छे बच्चों को इधर, अब तुम लोग जाओ अपने नेस्ट में एंड तू भी चला जा। नाइस, ये चले गए, अब इसको तोड़ लेते हैं। एक्चुअली मैं इन फूलों को भी तोड़ लेता हूँ बिकॉज मुझे जरूरत पड़ सकती है इनकी भी। एंड नाउ वापिस चलते हैं अपने घर की तरफ एंड अभी बनाते हैं अपना फार्म, जिसके लिए मैं निकाल लेता हूँ सारे मटेरियल। सो फार्म को बनाते हैं, 1 2 3 एंड देयर वी गो। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला फार्म भी कंप्लीट होता है। जस्ट मुझे यहाँ पर और भी बी नेस्ट डालने होंगे या बी हाइव डालने होंगे, वो मैं बाद में ढूंढ लूंगा। ऑलराइट, अब बनाते हैं नया फार्म जो कि है बैम्बू फार्म, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है बैम्बूज की फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। एंड फार्म बनाने के लिए मैंने इस जगह को फ्लैट भी कर लिया थोड़ा सा, जस्ट मुझे यहाँ से ग्रास निकालनी है जो कि ये वाटर प्रोफिट कर देगी। ऑलराइट, अब फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो फार्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पर डिग करना पड़ेगा लाइक दिस एंड नाउ मुझे यहाँ पर बनानी है जगह स्टोरेज के लिए जस्ट लाइक दैट। एंड मुझे यहाँ पर बनाना एक छोटा सा रेडस्टोन का कंस्ट्रक्शन ताकि कोई भी जो माइनकार्ट है ऊपर वाली उसके अंदर जितना भी सामान हो पहले वो यहाँ पर आके खाली करे। और अभी मुझे यहाँ पर बिछानी है बहुत सारी रेल्स ताकि मेरी माइनकार्ट है वो ट्रैवल कर सके। एंड मुझे बनानी है हार्वेस्टिंग के लिए फ्लाइंग मशीन। अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने स्लाइम फार्म क्यों बनाया था। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला फार्म कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट फार्म बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होगा जो कि है वुड, लावा बकेट एंड थोड़ी सी चीज़ें क्राफ्ट करनी है। एंड नाउ यहाँ पर फार्म को बनाना शुरू करते हैं। ऑलराइट, ये फार्म को मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब इसको टेस्ट करने की बारी है। 5 मिनट बाद। ऑलराइट, अभी देखते हैं कि कितना फार्म ने लूट प्रोड्यूस किया। ऑलराइट, ओके ओके ओके। इसके नीचे जितनी भी मैंने चेस्ट लगाई हैं सभी की सभी चेस्ट में कम से कम 9 रोज या फिर बोल सकते हैं 9 स्टैक से ऊपर सामान आया है। इसका मतलब ये 5 मिनट में ज़्यादा नहीं तो 1.5 डबल चेस्ट भर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड नेक्स्ट फार्म के लिए मुझे चाहिए बहुत सारा वूल क्योंकि मुझे बनाना कारपेट और जिसके लिए मुझे लगेगी स्ट्रिंग जो कि मुझे इस फार्म से मिल चुकी है। मेरे पास सारे के सारे कारपेट कम्प्लीट हो चुके हैं और ये चेस्ट भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। एंड अभी चलते हैं। सो नेक्स्ट फार्म बनाने के लिए मुझे जाना होगा पहले नैदर में। एंड तुम लोग ये मत सोचना कि मैं नैदर के अंदर कोई फार्म बनाने वाला हूँ अभी। अभी मुझे यहाँ से जाना दूसरे नेदर पोर्टल की तरफ जो कि है इस डायरेक्शन में। भाई मुझे नेदर में उड़ने से बहुत डर लगता है। एंड ये हमें पोर्टल मिल चुका है, ये पोर्टल हमें एंड पोर्टल की तरफ टेलीपोर्ट करता है। एंड नाउ चलते हैं एंड में। नाउ तुम लोग समझ ही गए हो मैं कौन सा फार्म बनाने वाला हूँ। इतने सारे गेट वे देख के अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पर मारे थे 100 ड्रैगन पिछले वीडियो में। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को तुम लोग देख सकते हो। एंड नाउ मुझे एक अपना फार्म बनाना है तो मैं निकालता हूँ लावा बकेट एंड वाटर बकेट। ये लावा वॉइड तक जाना चाहिए तो यहाँ पर करा मैंने लावा प्लेस। एंड इसके नीचे जाने का वेट करना है मुझे। एंड आई गेस लावा नीचे तक पहुँच चुका है, यहाँ पर पानी डालते हैं एंड इसके भी नीचे जाने का वेट करते हैं। ऑलराइट, पानी भी नीचे जा चुका है, अब हमें भी नीचे जाना होगा, होपफुली मैं मर ना जाऊँ। ऑलराइट, मैं नीचे आ चुका हूँ, बस मुझे आराम से एक जगह पे ब्लॉक प्लेस करना है बिल्कुल एंड पे। ओके ओके, यहीं पे प्लेस कर देता हूँ एक्चुअली, मरने से अच्छा। एंड एक ब्लॉक यहाँ पर, नाइस। मेरे पास बहुत ज़्यादा सॉलिड ब्लॉक है, उसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एंड नाउ अभी मुझे जाना ऊपर वापस, इस पानी को भी बंद करना है एंड ऊपर तक मुझे जाना होगा इन सीढ़ियों को लेके। ओके, ये सब मैंने कर लिया है, अब जाना होगा मुझे नीचे एक बार वापस से, होपफुली ये वाली लिए मुझे वापस मिल जाए। ओके, मिल गई। एंड नाउ मुझे यहाँ से दूर जाना है तो फिलहाल मैंने अभी शेडर्स बंद कर लिए हैं ताकि मुझे दिखता रहे। ऑलराइट, अभी मुझे जितने भी मेरे पास लीव्स हैं सारी लीव्स को मुझे प्लेस करते जाना सीधी लाइन में। एंड देयर वी गो। एंड नाउ बनाते हैं फार्म को, सो लेट्स गो। ऑलराइट, हमारा एंडरमैन फार्म भी बनके कंप्लीट हो गया है और काफ़ी एफिशिएंटली काम भी कर रहा है ये फार्म। मुझे ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर में इनको मारूंगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे ग्लास की बाउंड्री लगा लेनी चाहिए
क्योंकि कभी पता चले कि मैं ही यहाँ से गिर के मर गया। एंड यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अपने लिए बना लेता हूँ ताकि अगर मैं इलाइट्रा से उड़ के आऊँ तो गिरूँ नहीं। एंड अभी चलते वापस से ओवरवर्ल्ड की ओर और लास्ट फार्म बनाते हैं। एंड हमारा जो फाइनल फार्म है वो एक ऐसा फार्म है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड है, लिटरली बहुत ज़्यादा नीड है, नहीं पता चला, वो है वुड फार्म। एंड उसको बनाने के लिए मेरे पास सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो उसे बनाना शुरू करते हैं। आई डोंट नो रिप्ले मोड को मेरे साथ क्या दुश्मनी है भाई, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी फार्म की वो करप्ट हो गई। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला फार्म भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ये काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। मैं तुम लोगों को बाहर जाके लूट दिखाता हूँ। एंड ये है इस फार्म की लूट, ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक मिनट से भी कम है इसके किया इस पर, बट दैट्स इट। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्टली मैं ये चाहूँगा कि तुम लोग इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने 200 ड्रैगन्स को मारा है, एंड उसके बाद तुम ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने ओशन मैनेजमेंट को ड्रेन किया है। एंड तब तक मैं चला दूसरी वीडियो देखो करने।